नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है और ये ट्यूटोरियल जो है वो फोटोशॉप से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, सरोज कुमार बेहरा जी ने कमेंट किया है कि सर फोटोशॉप में कैसे लेटर को स्टाइल करें। तो सबसे पहले सरोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा और आपने कमेंट किया और आप यह जानना चाहते हैं कि फोटोशॉप में कैसे किसी लेटर हो चाहे टेक्स्ट हो उसको स्टाइल कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी लेटर या टेक्स्ट को स्टाइल कैसे करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी फोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है, लेकिन प्रोसेस अगर पता है तो फोटोशॉप का किसी भी वर्सन में आप स्टाइल टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मली फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, फाइल में जाइए, फिर न्यू में जाएंगे। न्यू का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस नाम से भी आप अपना पेज क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पर नाम दीजिए और यहाँ पे देखिए प्रीसेट साइज़ है, नॉर्मल सा बहुत सारा साइज़ है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप साइज़ ले लीजिए। यहाँ पे कंटेंट जो दिया हुआ है वो वाइट है, मतलब बैकग्राउंड वाइट आएगा। आप बैकग्राउंड कलर लेंगे तो यहाँ पे जो कलर रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब नॉर्मल सा यहाँ पे देखिए एक पेज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे एक लेयर का पैलेट आपको दिख रहा होगा। ये लेयर का पैलेट एक्चुअली फ़ोटोशॉप में लेयर का इस्तेमाल अगर आपको करना आता है तो बहुत अच्छी तरह से आप फोटोशॉप में काम कर सकेंगे। तो जैसे ही आप नया एक पेज लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आप नीचे देखेंगे लेयर पैलेट के ठीक नीचे यहाँ एक बटन दिया हो, इस पर क्लिक कीजिए, एक नया लेयर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर आप टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पर जो ये जो टूल है हॉरिजेंटल टाइप टूल, इस पर क्लिक कीजिए और अपने पेज पे किसी भी जगह पे आप टेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टेक्स्ट का प्रॉपर्टी बार ऊपर में शो करने लगेगा। अब यहाँ से आप चाहें तो टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ साइज चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने नाम लिख दिया। अगर आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद कलर का पैलेट है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट का प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे कलर दिखाई देगा, इस पर सेट द टेक्स्ट कलर पे क्लिक कीजिए और नॉर्मल से एक कलर आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ से कलर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड ले लिया। करने के बाद अगेन मूव टूल पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा अगर करना है तो यहाँ पर देखिए शो बाउंडिंग बॉक्स का एक, जैसे ही आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो छोटा छोटा आप एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। वो इसलिए है क्योंकि इसको ये जो बटन अगर ऑफ कर देंगे तो बाउंडिंग बॉक्स हट जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा ड्रैग करके इस टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज इस तरह बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ मूव टूल पर क्लिक कर दीजिए, फिर अप्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दीजिए। करने के बाद ये जो बाउंडिंग बॉक्स है आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं, हटा दिया। अब इसमें हम लोग एक एक करके स्टाइल देंगे। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसमें स्टाइल देने का मैं आपको दो तरीका दिखाता हूँ। एक तरीका सिंपल है, वो आप मेनू बार में यहाँ पे जाइए, लेयर में जाइए और थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेयर स्टाइल में देखिए। यहाँ पे ये जो लेयर स्टाइल है यहाँ पे देखिए सारे के सारे देख सकते हैं, सब स्टाइल दिया हुआ, अलग अलग स्टाइल है। यहाँ से भी आप लेयर स्टाइल दे सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ, आप लेयर पैलेट में जाइए, ये लेयर का पैलेट आपको दिख रहा होगा और नीचे देखेंगे लेयर पैलेट में कुछ बटन्स आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ जो एफ नुमा जो बटन दिया हुआ है वो लेयर स्टाइल के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह वो ऑप्शन सब स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबसे नीचे से शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए स्ट्रोक, स्ट्रोक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रोक पर क्लिक कर दीजिए। अब स्ट्रोक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए लेयर का स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। यहाँ देखिए कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेड है टेक्स्ट, तो मेरा स्ट्रोक का भी कलर रेड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे नॉर्मली क्लिक करके इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। जो कलर आपको लेना है, ब्लैक लेना है ब्लैक ले लिए, ओके कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रोक का यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर साइज़, ये हैंडल दिया हुआ है, यहाँ से आप जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा आपको दिखाई देगा। देखो पतला सा आपको एक पतला सा आउटलाइन दिखाई देगा, मतलब बॉर्डर को ही हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। देखिए टेक्स्ट के चारों तरफ आपको ब्लैक बॉर्डर दिखाई देगा। अब यहाँ पोजीशन है, पोजीशन में आप आउटसाइड रखिए, स्ट्रोक हमेशा बाहर ही देते हैं, आप चाहें तो अंदर भी दे सकते हैं, दे के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, तो बेस्ट है इसे आउटसाइड ही रखिए। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखिए। ओपेसिटी का मतलब होता है आप कितना, मतलब अगर हल्का करना चाहते हैं उसको दिखना हल्का चाहिए, लाइट चाहिए तो लाइट दिखाई देगा, और उसको डीप करना है तो आप इसको 100% कर दीजिए।
यहाँ पे फिल टाइप कलर आपको चेंज करना है स्ट्रोक का, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी मान लीजिए इसका अगर दूसरा इफेक्ट देना है, मान लीजिए इस पर शैडो देना है, तो अगेन आप क्या कीजिए, अब देखिए जब भी आप कोई भी ये इफेक्ट देते हैं तो टेक्स्ट के साथ साथ उसमें जो जो इफेक्ट दिए नीचे आपका वो देखिए इफेक्ट आपको शो कर रहा है। इसमें मैंने स्ट्रोक दिया हुआ, इस लेयर देखिए गौतम लिखा हुआ, टेक्स्ट तो लिखा हुआ, नीचे में आपको इफेक्ट नीचे स्ट्रोक शो कर रहा है, मतलब इस पर मैंने स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। उसके बाद ठीक है, फिर नीचे जाइए, नीचे इस बटन पे क्लिक कीजिए। मान लेते हैं अब इसमें ड्रॉप शैडो देते हैं, ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ देखिए ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई दिया, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। ओपेसिटी 75%, अगर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एंगल दिया है, मतलब जो आप शैडो देंगे ड्रॉप शैडो पीछे छाया देंगे जिसमें परछाई आता है उसी को ड्रॉप शैडो बोलते हैं, तो यहाँ सब एंगल चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद डिस्टेंस जो शैडो है, डिस्टेंस साइज, यहाँ साइज यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं इसको जैसे ही जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा पीछे आपको शैडो दिख रहा होगा। देखिए अगर ज़्यादा कर देता हूँ तो देखिए पीछे आपको शैडो दिखाई दे रहा है, तो इसको मीडियम रखिए, बीच में रखिए, 50% तक रखिए, इसको बेस्ट रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए शैडो आ गया पीछे, आप स्प्रेड कर दीजिएगा तो बहुत हल्का फटने लगेगा। साइज अगर बढ़ाना है साइज कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप करके देख सकते हैं। डिस्टेंस एंगल चेंज करना है तो यहाँ से एंगल आप चेंज कर सकते हैं, शैडो का ऊपर ले जाना, एंगल घुमाइएगा, शैडो का एंगल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो बेस्ट है 90% रखिए। उसके बाद काउंटर है, शैडो का क्वालिटी है, नीचे देख सकते हैं काउंटर, तो किस तरह का शैडो चाहिए यहाँ से आप चूज करके देख सकते हैं कि आजमा सकते हैं, तो इस तरह कीजिएगा तो ऐसा आएगा, तो बेस्ट है ये रखिए आप, ये वाला शैडो आ गया। अब ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोक आ गया, शैडो आ गया। मान लीजिए आपको इसमें से शैडो पसंद नहीं आ रहा कि नहीं भाई मुझे शैडो पसंद नहीं है, नहीं देना है, तो बेस्ट है इसको इफेक्ट हटाएंगे कैसे वो भी दिखाता हूँ। तो लेयर पैलेट में चले जाइए, अभी देखिए यहाँ गौतम लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके नीचे में देखिए यहाँ पे ड्रॉप शैडो स्ट्रोक है, तो अगर मान लीजिए हटाना है, मान लीजिए हमको नहीं चाहिए ड्रॉप शैडो, तो इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और इसे ड्रैग करते हुए ये नीचे देखेंगे वो आपका लेयर का जो पैलेट दिखाई दे रहा है, छोटा सा आपको डस्टबिन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए इस तरह, तो आपका चला जाएगा वो आपका शैडो वहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे लेयर फिर से ला दिया, विंडो में गए लेयर, ये देखिए यहाँ से देखिए ड्रॉप शैडो दिखाई दे रहा है, तो सिंपल है आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप इसे यहाँ से भी ये जो आपको ड्रॉप शैडो दिखाई दे रहा है इस पर ड्रैग करके इस बकेट में इस तरह पुश कर दीजिए। देखिए यहाँ से शैडो चला गया, इसका ड्रॉप शैडो का जो स्टाइल दिया था चला गया। अब फिर दूसरा स्टाइल देना है, फिर यहाँ पे स्टाइल का जो बटन दिया है ऐड लेयर स्टाइल, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेबल इम्बोज दिया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये भी आप देखेंगे कार्ड वगैरह पे डिज़ाइन होता है, बेबल इम्बोज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से इनर बेबल देना है, यहाँ डेप्थ बढ़ाना है, देखिए डेप्थ बढ़ाइएगा तो आपको दिखाई देगा हल्का हल्का इफेक्ट, उसमें देखिए हल्का सा ये दिख रहा है। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह का आपने देखा होगा, ऐसा बहुत सारा टेक्स आपने, यहाँ इम्बोज है, पिलो इम्बोज है, जैसा आपको देना है साइज़ बढ़ा दीजिए, देखिए इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरह आप दे सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हाईलाइट मोड, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरह तीन चार तरह का आपको बेबल इम्बोज का इफेक्ट, आपको पिलो इम्बोज देना है, पिलो इम्बोज इस तरह लगेगा फटा हुआ निकला हुआ, इस तरह आप दिखा सकते हैं, यह देखिए इस तरह इफेक्ट देख सकते हैं आप। उसके बाद ओके, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। फिर आप फिर एक लेयर स्टाइल में जाइए, फिर आउटर ग्लो देना है, इनर ग्लो देना है, तो आउटर ग्लो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा आउटर ग्लो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ब्लेंड मोड स्क्रीन दिया हुआ है, यहाँ नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ से कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए यहाँ से, आप जैसा चाहेंगे, अगर येलो अच्छा लगे येलो डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी दिया हुआ है इतना, देखिए यहाँ पे नॉइज, यहाँ पे बढ़ा देना चाहेंगे बढ़ा दीजिए यहाँ से, नॉर्मल ओपेसिटी, अगर हल्का येलो दिख रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 97, यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए हल्का सा आपको स्ट्रोक वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको फिर से करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लेयर स्टाइल में गया, यहाँ पे आउटर ग्लो पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, आ गया। अगर ये कलर नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू ले लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक किया, उसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे देखिए वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे साइज है, स्प्रेड कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, स्प्रेड नहीं करके नॉर्मल सा साइज से मैं बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा इसलिए फट जा रहा कलर, ये देखिए
यहाँ पे साइज में बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं इसका आउटर ग्लो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। देखिए ब्लू रंग का बाहर में आपको यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एलिमेंट दिया है, यह साइज आप बढ़ाइएगा जितना चाहें उतना बढ़ाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटर ग्लो आपको शो कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आउटर ग्लो ऑप्शन है, अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, रखना है अगर दूसरा कलर चेंज करना है, नहीं पसंद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर येलो ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पे साइज आप बढ़ा दीजिए, यहाँ से देखिए साइज येलो आउट, इसमें देखिए आउटर ग्लो आ गया, इसे कैंसिल कर दीजिए। अब इनर ग्लो देना है, अगेन आप लेयर पैलेट में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब इनर यहाँ पे देखिए इनर ग्लो है, इनर ग्लो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मान लीजिए इसमें मैं पिंक कलर देना, जो आपको अच्छा लगे पिंक कलर, यहाँ से कलर जितना चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर साइज बढ़ाइए तो दिखाई देगा, अंदर में हल्का सा आपको कलर दिखाई देगा क्योंकि इनर ग्लो है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे ब्लू कर देने से देखिए ब्लू दिखता है क्या, देखते हैं साइज हल्का से, देखिए इनर हल्का सा आपको ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई देगा। तो कोशिश कीजिए कि एक टेक्स्ट के अंदर सारा का सारा इफेक्ट ना दें, बेस्ट रहेगा। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग स्टाइल दीजिए, अलग अलग ये दीजिए। तो तीन इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए, एक एक करके आप आजमा सकते हैं सब। यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ओवरले का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे ब्लेंड मोड नॉर्मल रखिए, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा, सुंदर से इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से चूज़ कीजिए कि कलर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपका स्केल है, स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये जो कलर जो फील हुआ उसमें आपको चेंजेस नज़र आएगा, एंगल चेंज करना है एंगल चेंज कर दीजिए इस तरह। तो खूबसूरत सा ये देखिए टेक्स्ट मेरा बन गया, ओके कर दीजिए। अब मान लीजिए इसमें आप अगर बेवल इम्बोज दे देंगे तो और खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं बेवल इम्बोज पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए और खूबसूरत हो गया टेक्स्ट। तो इस तरह टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सिंपल है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह एक एक करके इफेक्ट आप दे सकते हैं, और इफेक्ट अगर हटाना है सिंपल है तो ये जितना इफेक्ट दिया हुआ है ये लेयर पैलेट के अंदर शो करेगा। यहाँ पे जो भी इफेक्ट आपको हटाना है, मान लीजिए स्ट्रोक पसंद नहीं आ रहा तो इस पर माउस पॉइंटर रखिए और उसे ड्रैग करते हुए नीचे देखिए डिलीट का बटन दिया, इस पर क्लिक कर दीजिए, वो देखिए वो स्ट्रोक वहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह आप एक एक इफेक्ट ऐसे दे सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे इफेक्ट है, आप आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सिंपल तरीका मैंने बताया, सिंपल है, कलर ओवरले है, सैटिन है। तो बेसिकली आपका ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, अंदर शैडो आता है, बेवल इम्बोज, आउटर ग्लो और ग्रेडियंट ओवरले, ये तीन चार इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शैडो भी आप आजमा सकते हैं, यहाँ पर शैडो दे सकते हैं, यहाँ देखिए पीछे शैडो है तो आप इसे आजमा सकते हैं, करके शैडो दे सकते हैं। तो एक टेक्स्ट के ऊपर आप चाहें तो जितना चाहे उतना इफेक्ट दीजिए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा तो कम से कम एक टेक्स्ट के ऊपर दो तीन ही इफेक्ट आजमा स्टाइल अपनाएं। तो आप यहाँ से भी लेयर में जाके, यहाँ पे देखिए लेयर स्टाइल है, यहाँ से भी आप ये शैडो, आपको ड्रॉप शैडो है, इनर शैडो, आउटर ग्लो, जो जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया यहाँ टिक मार्क शो कर रहा। तो इस तरह हम लोग अलग अलग इफेक्ट अपने टेक्स्ट पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।